और एक। तो चलिए डिफेक्ट में हम लिखेंगे देखो डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म रिंग कॉर्ड चेली रिंग्स विद द सेंट्रल मेटल, फिजिकल टूटी वगैरह तो नहीं खड़ी, सेंट्रल मेटल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज ऑक्सिलेटो एंड इथेन 1,2 डायमीन। ऑक्सिलेटो और इथेन 1,2 डायमीन हमने देखा है कि ये मेटल है। ठीक है, जैसे सपोज कोबाल्ट, ठीक है कोबाल्ट, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाए किसी डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ तो ये ऐसे रिंग्स बना देता है, राइट, इट मेक्स रिंग्स लाइक दिस। तो इसे बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? चिलेट कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि इसके अंदर टू डोनर एटम्स होते हैं, डाइडेंटेट में कितने डोनर एटम्स होते हैं? दो, और पॉलीडेंटेट में दो से ज्यादा। ठीक है, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व, तो चिलेट इफेक्ट क्या है? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट that the central metal has enhanced affinity, for डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड लिगेंड्स, फॉर डाइडेंटेड and polydentate ligands when compared to unidentate ligands. तो दिस इज कॉल्ड चिलेशन, दिस इज कॉल्ड चिलेट। अगर कोई तुम्हें एक चॉकलेट दे और कोई तुम्हें दो चॉकलेट दे तो तुम्हें क्या पसंद आएगा? दो चॉकलेट। तो वही सिंपल सा प्रिंसिपल, एक यूनिडेंटेट लिगेंड हो सेंट्रल मेटल के पास और एक डाइडेंटेट लिगेंड हो तो किसके पास जाना प्रेफर करता है? डाइडेंटेट के पास, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो दो डोनर आइटम दे रहे हैं। ये लुइस एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो लुइस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इन्हें चॉकलेट की भूख है, वो चॉकलेट देने वाले, तो दो चॉकलेट वाला ज्यादा पसंद आएगा और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसीलिए चिलेट कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं और इसीलिए इनकी एनहांस एफिनिटी अट्रैक्शन होती है फॉर डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड व्हेन कंपेयर्ड टू यूनिडेंटेट लिगेंड, दिस इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। समझ आया? हाँ ना, हाँ बोलो क्या चीज़? हाँ लग रहा है बड़ा, मैं ये बड़ा देखा है तो छोटा सा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। हाँ ऑक्टाहेड्रल वैसे उसमें भी होते हैं, टेट्राहेड्रल में भी। नेक्स्ट करें सर, ये फोन। हाँ बोले सर, ये हमें ऊपर वाली लाइन लिखनी है उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट पूरी लिखनी है, आलस नहीं करना है। ठीक है ओके सर।